ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे ये छोटी छोटी बातों में कम उलझती हूँ, मतलब आदमी की तरह दिमाग जैसे खुल के थोड़ा रहना चाहिए। तो मंचिंग अच्छा, आप क्या मानते कि आदमी का दिमाग ज्यादा होता है? हाँ, ज्यादा होता है लेडीज से। और अगर छोटी छोटी बात पुरुष लोग कह दें तो माता नाराज हो जाती? नहीं, देखो उनकी अपनी सोच है, मैं छोटी छोटी हम नहीं। दिमाग तो दोनों का बराबर ही होता है, लेकिन माताएं दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेते हैं, और पुरुष दिल से कम दिमाग से। मेरे को तो जेंट्स में ज्यादा लगता है। दोनों के पास नहीं, आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा क्या कि ऐसा नहीं है? वो तो आप स्त्री हैं, इसलिए आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यही बात हम पुरुष कह दें तो सारी माता हमारे पीछे पड़ जाएंगे। आपने कह कैसे दिया कि माताओं में दिमाग नहीं है? तो शुक्र है कि आप टीवी पे हैं और स्त्री हैं। यदि ये बात हम कह दें, हम तो पहली बात तो क्यों कहेंगे, क्योंकि स्त्री में दिमाग कम है ही नहीं। स्त्री पुरुष दोनों में दिमाग बराबर दिया परमात्मा ने, दिल भी दोनों को बराबर, लेकिन पुरुषों में होता क्या, वो दिमाग से काम लेते हैं दिल से नहीं। जैसे शुगर का रोग है बेटे को, तो बाप क्या कहा, बिल्कुल इसको देना मीठा, और जब माँ खाते हैं मीठा तो चोरी से, पति से चोरी से खिला, बेटा थोड़ा सा खा ले, क्योंकि वो किससे काम ले रही है, उसे देखा नहीं जाता। बच्चे पे दर्द आ रहा, प्रेम उमड़ रहा है, बच्चा मीठा नहीं खा पा रहा, वो कहते थोड़ा सा बेटा खा ले, मैं एक दवाई गोली फालतू दे दूंगा तू खा ले, पापा नहीं देख रहे, पापा को नहीं बताना। अभी क्या है, दिमाग की बात तो नहीं है, ये किसकी बात है, प्रेम की, ये दिल की बात है। और पुरुष लोग, वो दिल कठोर होता है और ये दिमाग से पूरा काम लेते हैं। तो अंतर सिर्फ इतना स्त्री पुरुष में, दिमाग और दिल दोनों का परमात्मा ने बराबर दिया है। आप तो स्त्री का अपमान करें, ऐसा कहा कि स्त्री में दिमाग नहीं होता, नहीं, पूरा भगवान ने दिया, भगवान ऐसे अन्याय नहीं करते। लेकिन स्त्री का स्वभाव है दिल से काम लेना, क्योंकि स्त्री घर के भीतर रहने के लिए बनाई है, तो घर में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिमाग की जरूरत है ही नहीं, दिल की जरूरत है। बच्चा तंग करता है, माँ खींच तो जाती है, लेकिन फिर भी बच्चों को लाड़ प्यार करती है। और अगर एक दिन के लिए वही बच्चा बाप के पास आए तो कैसे सुलाएगा, मार मार के सुलाएगा, क्योंकि उनके पास दिल नहीं। दिल तो है, मतलब दिल से काम लेते हैं दिमाग से। तो पुरुष दिमाग से काम लेते हैं, स्त्री दिल से अधिक काम लेती है, और दिल में बहुत धोखे हैं, दिमाग में धोखा नहीं है। इसलिए स्त्रियों को कहा कि वो दिमाग जो यूज करते हैं ना, उनके साथ रहो, अलग मत रहो। जवानी बचपन में माँ बाप के अधीन, जवानी में पति के अधीन, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन। कारण क्या, स्त्री भावुक हो जाती है, बहुत जल्दी भावुक होती है, और लोग नजायज फायदा उनकी भावुकता का उठा लेते हैं। तो इसलिए पुरुषों में दिमाग, वो दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, तो वो इसलिए पुरुषों के सानिध्य में स्त्री को रहना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। बाकी छोटा बड़ा कोई नहीं, परमात्मा ने सबको बराबर दिमाग दिया। और विश्वास नहीं तो आप देख सकते हैं, स्कूल में लड़कियां भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, नंबर सबके बराबर ही आते हैं। ये नहीं कि लड़कियां डाउन रहती हैं और लड़के, रिजल्ट देख लो बराबर ही होता है सब जगह, ऐसा नहीं है। तो चलो मैं क्षमा करूंगा, मैंने आपको टोक दिया। बाकी ये शब्द यदि मैं बोल दूं टीवी पर तो आधी इंडिया की माताएं हमसे नाराज हो जाएंगी। मतलब इतने जीवन चल रहा है, इतना मन चिंतन चलता ही रहना चाहिए, या इससे ऊपर भी कुछ है? अब दोबारा से आप प्रश्न करेंगे, मैं समझ नहीं पाया। हाँ। जैसे इतना जीवन चल रहा है, हाँ। मन चिंतन चलता रहे ठाकुर जी का, हाँ। या इससे भी ऊपर कुछ है फिर, या इतना जिएंगे मन चिंतन चलता ही रहना चाहिए बस? नहीं, इससे ऊपर है भगवत प्रेम, उनसे प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए भगवान से, उनके बिना मन ना लगे, रोते रहिए, सबसे आगे है। अच्छा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चिंतन एक साधना है। अच्छा। याद करना भी साधना है, याद आना और याद सताना ये साधना नहीं, ये साधना का फल है। भगवान की याद करना तो करना हो गया, और भगवान की याद आना और उसमें भी याद सताना, ये करना थोड़ी है, ये तो फल है, रो रहे हैं भगवान के लिए, तो ये तो भक्ति का फल। आपने कहा चिंतन करने से भी अधिक कुछ होता है, तो चिंतन करने से अधिक होता है भगवान में आसक्ति, भगवान में अटैचमेंट, और जो ही भगवान में अटैचमेंट हुई, आसक्ति हुई, तो फिर ऐसे दीवाने भगवान कर देंगे, अपनी जान क्या दिखाएंगे, कभी सपने में कभी ध्यान में, और प्रेम आगे बढ़ेगा तो प्रत्यक्ष में भी आकर के आपसे प्रेम वार्तालाप करें। हाँ जी।